हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज मैं आपको बताऊंगा सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में। सेलिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं? तो सेलिंग एक्सपेंसेस ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली इनकर्ड होते हैं किसी भी चीज़ को बेचने के लिए। डायरेक्टली जो जो अखराजात आते हैं किसी भी चीज़ को बेचने के लिए, उनको सेलिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। बहुत से अखराजात तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली नहीं आते, लेकिन बहुत से अखराजात ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आते हैं। तो जितने भी ऐसे अखराजात जो डायरेक्टली किसी भी चीज़ को बेचने के लिए आ रहे हों, उसको सेलिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, किसी सामान को इधर से उधर ले जाना है, जिसको कैरेज कॉस्ट भी कहा जाता है। तो जो कैरेज कॉस्ट है या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सामान को इधर से उधर ले जाना पड़ रहा है किसी पिकअप में, किसी तांगे पे या फिर किसी भी और गाड़ी में अगर ले जाया जा रहा है सामान को, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो भी सेलिंग एक्सपेंसेस में आएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली सामान को बेचने के लिए यूज़ हो रही है, इनकर्ड हो रही है। और इसके अलावा टैक्स, अगर बहुत सा सामान ऐसा होता है उसको बेचने के लिए टैक्स भी लगता है, गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है बहुत से सामान को बेचने के लिए। तो ऐसे चीज़, ऐसा सामान जिस पर टैक्स भी लग रहा है, तो जो टैक्स का खर्चा आ रहा है वो भी सेलिंग एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि वो भी डायरेक्टली इनकर्ड हो रहा है उस चीज़ को बेचने के लिए। तो ये था आपके सामने सेलिंग एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए।